अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रावे, कैसे आप सब लोग। कल मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं क्रिस्टीन की प्रोफेशनल पेंट स्टिक का रिव्यू करूं, और मुझे कल रिक्वेस्ट आई है, आज मैंने सोचा कि रिव्यू कर देना चाहिए क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और मेरे पास फाउंडेशन भी है, तो इस वजह से रिव्यू हाजिर है। अच्छा जी, आपको मेरी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही होगी, तो उसकी वजह यह है कि मैंने अपना आई मेकअप जो है वो डन कर लिया, अपने फेस को प्रेप कर लिया, तो डायरेक्ट मैं जो है ये क्रिस्टीन की पेंट स्टिक इसको अप्लाई करूंगी और इसके रिव्यू करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, ये मीडियम कवरेज देती है, लो कवरेज देती है, हाई कवरेज देती है, और सबसे बढ़ के ये ऑक्सीडाइज होती है नहीं होती। तो मेरे पास क्रिस्टीन की जो प्रोफेशनल पेंट स्टिक है, ये कलर है CNF1, ये नेचुरल कलर है इसका, ठीक है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की हुई, मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा मैंने इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं की, और टोटल इतनी ही होती है इसके अंदर, ठीक है। ये चले जी, हमने इसको अप्लाई करती हूँ, मेरा ख्याल है पहले एक साइड पे अप्लाई करनी चाहिए, उसके बाद दूसरी साइड पे अप्लाई करती हूँ। साइड पे मैंने ये जो फाउंडेशन अप्लाई किया है ना, इसको मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ, और दूसरी साइड पे ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने वेट कर लिया था। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. अब ये आप लोगों के सामने के फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैंने जो ये ब्लेंडिंग की है ना, तो ये फुल कवरेज दे रही है, ठीक है, बिल्कुल फुल कवरेज आ रही है इसकी, ये देखें। अच्छा, इसकी कवरेज जो है ना, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप फाउंडेशन की कितनी अमाउंट जो है वो अप्लाई करते, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो स्टिक फाउंडेशन है, कितनी अमाउंट में आप उसको ले रहे हैं। आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा कवरेज मिलेगी, आप कम अप्लाई करें तो आपको कम कवरेज मिलेगी। लेकिन ये देखें कि मैंने इसको ब्रश की हेल्प से किया है, और नोज के ऊपर मैं कभी भी फाउंडेशन जो है वो अप्लाई नहीं करती, जो भी प्रोडक्ट स्पंज में या ब्रश में होता है मैं उसी को अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके बिल्कुल सामने है, और बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हुई है, और बिल्कुल नेचुरल लग रही है। मैं दूसरी साइड पे अप्लाई करती हूँ, और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो ब्लेंड करूंगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट्स का अच्छी तरह से। इसे वेट किया था और उसके बाद ये अपने साइज में बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको जो है ना वेट किए हुए मुझे काफी देर हो गई है, तो अब इसको, क्योंकि ना मेरा अपना मानना ये है कि जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं ना, तो वो इतनी ज्यादा कवरेज नहीं आती। मतलब नेचुरल बहुत लगता है, बहुत ज्यादा ग्लोई और डूई वाली फिनिशिंग आती है, नेचुरल लगता है, बट जितनी कवरेज जब आप देखें कि इस साइड पे आ रही है ना, इस साइड पे नहीं आ रही, अब आपको पता चल गया। अगर तो आप चाहते हैं बिल्कुल नेचुरल, अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, और आप बिल्कुल नेचुरल वाला जो है ना वो चाह रहे हैं, तो फिर तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। मैं आपको पहले दोनों का करके दिखाती हूँ, इनका डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने जितनी ही साइड पर अप्लाई की थी उतनी ही साइड पर अप्लाई की है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी और मैंने इस जगह पर जो है ना इस साइड पर अप्लाई की है। ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम ब्लेंड करते हैं बड़ा ही नेचुरल वाला जो है ना वो इफेक्ट आता है, लेकिन समटाइम मतलब ये उस तरह की कवरेज नहीं दे रही जिस तरह के, ये देखें इस साइड पे, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। वो साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो इस साइड पे किया ना, ये ज्यादा डूई और ग्लोई भी लग रही है, और इसकी जो कवरेज है ना वो ज्यादा अच्छी आई है, और ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने ब्लेंड किया ना, तो इसकी कवरेज जो है वो थोड़ी कम आई है। अगर तो आप बिल्कुल, आपका कोई डे फंक्शन है, आप बिल्कुल नेचुरल वाला लुक चाहते हैं, फिर तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है ना इसको ब्लेंड कर लेना है, या आपके फेस के ऊपर ज्यादा डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है, आप कोई चीज हाइड नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें।
अच्छा ये जो है ना, ये जो मैंने ब्रश वाली साइड से ब्लेंड किया ना, इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से और ज्यादा फिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, नेक पे हमेशा लगाया करें। दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से मैंने ये फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर ली है, बहुत ही नेचुरल लुक देती है। मैं तो खैर इसको काफी अरसे से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। क्रिस्टीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे होते हैं, रीजनेबल प्राइसेस में होते हैं। उसके अलावा ये हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। पर मेरा मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल, फ्रेश और ब्राइट लग रहा है। फुल मेकअप के साथ ये फाउंडेशन कितनी अच्छी सूट कर रही है या अच्छी लग रही है। ठीक है, लेकिन ये अभी डे टाइम है और नेचुरल लाइट में मैंने आपको इसके रिजल्ट्स शो करवाए हैं। मैं कुछ 4 घंटे के बाद आपको दोबारा से इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी कि ये किस हद तक इसकी जो है ना ऑक्सीडेशन है, मतलब ये अब ऑक्सीडाइज होगी या नहीं होगी। अभी तो कम्प्लेक्शन बहुत ही ज्यादा ब्राइट और फ्रेश लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रही है। लेकिन इसको कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद मैं आपको इसके दोबारा से रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है या नहीं हो रही, डार्कनिंग की तरफ जा रही है, कम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है या बस मतलब सेटल लुक लग रही है। तो अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। जो है मैंने अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद हमारी ये जो फाउंडेशन है ये ऑक्सीडाइज होती है नहीं होती। तो जनाब होती है ऑक्सीडाइज, लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होती कि आपका कम्प्लेक्शन बिल्कुल ग्रे लगने लगता है, आपका फेस जो है बिल्कुल ग्रे लगने लगता है या काला लगने लगता है, तो उस तरह से नहीं होती। हाँ, ये थोड़ी सी मेरे स्किन टोन के साथ थोड़ी सी मैंने ज्यादा अप्लाई की थी और लाइटन थी, तो अब ये जो है ना बिल्कुल मेरे कम्प्लेक्शन के साथ मैच करिए, आप देखेंगे ये नेचुरल लग रही है। फाउंडेशन जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल भी है, समर में भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। ड्राई दोनों तरह की स्किन टाइप के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो जनाब यहाँ पर होता है मेरी आज की वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।